अभी ये बोर्ड आया है हमारे पास EDC 1755। ये गाड़ी है टाटा की, जो टाटा की छोटी वाली आती है ना, वो उसे क्या बोलते हैं, टाटा एस, सुपर एस, ऐसी गाड़ियाँ आती है ना, उसमें ये बोर्ड लगा हुआ है। टाटा जीप का है, इसमें आप देख सकते हो EDC 1755, ये पार्ट नंबर वाला बोर्ड है। काफ़ी सारी गाड़ियों में ये बोर्ड लगता है, जैसे कि हमारी महिंद्रा की काफ़ी सारी गाड़ियों में आता है, मारुति में आता है ये बोर्ड। मेरे ख्याल से 40% कार में ये बोर्ड लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत कंपोनेंट का फर्क आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक IC लगी होती है, यहाँ जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे इंजेक्टर की बात करें हम, तो यहाँ इंजेक्टर की जो ट्रांजिस्टर लगी होती है, वो जो 4 सिलेंडर वाला होता है, जो पहले भी बात हो चुकी है हमारी इस बारे में, फिर भी बात करते हैं कि 4 सिलेंडर वाला जो बोर्ड रहेगा उसमें हमारे यहाँ चारों इंजेक्टर के 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं। यहाँ भी थोड़ा कंपोनेंट का ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा फर्क रहता है ट्रांजिस्टर का। वैसे ये बोर्ड तो कॉमन है, पर ये जो कार थी, गाड़ी थी, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कस्टमर की कंप्लेन ये कि ये बोर्ड हम जिस गाड़ी में चढ़ाते हैं तो उसमें फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है। अभी जे समझो उसने एक कार में लगाया था तो फ्यूज़ जल गया था, फिर ये बोर्ड निकाल के दूसरी गाड़ी पे लगाया तो उसमें भी ये फ्यूज़ उड़ा रहा है, ठीक है। तो पता तो चल गया कि ये बोर्ड में ही दिक्कत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ये बोर्ड चेक करने के लिए, जैसे कि ये हमारे पास कैन बॉक्स है, ठीक है, ये उसकी वायरिंग लगी हुई है और ये हमारा बोर्ड है, ठीक है। हमारे पास पूरा सारा सेटअप होता है, स्टार्टिंग में जब हम काम करते हैं तो एक कैन बॉक्स रखते हैं, एक वायरिंग की हार्नेस रखते हैं, वो सब तो हम रखते हैं, पर कई बार कई चीज़ें हमें ऐसी ध्यान में रखनी पड़ती है कि कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि ये बोर्ड तो शॉर्ट है ही, अगर हमने इस पे कनेक्शन लगा दिए तो हो सकता है कि हमारा कैन बॉक्स भी डैमेज हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जैसे कि ये बोर्ड हमारा लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो ये बोर्ड हम ऐसे ही खोलते हैं ना, ये तो नॉर्मल सी बात हुई कि ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे हम उसका ऊपरी कवर निकालते हैं तो सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें बारीकी से देखती जानी होती है, ये कॉमन सेंस की बात हुई। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखते जाएंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जैसे कि हमने यहाँ पिन पे पहले नज़र डाली कि कहीं ये बड़ी वाली पिन है जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं जल तो नहीं गई है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ देखनी चाहिए। फिर जो बड़ी ट्रैक जा रही है पावर सप्लाई की, वो सारी हमें देख लेनी चाहिए कि कहीं ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कोई सारी चीज़ें डैमेज हो सकती है, तो वो सारी हमने देख लेनी चाहिए। अभी जैसे हमने ये कवर खोला तो हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली, ठीक है। फिर जैसे हमने ये कवर खोला और जैसे आप बोर्ड देख सकते हो कि यहाँ सारी जगह पे हमने नज़र डाली तो कहीं हमें शॉर्टिंग जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ भी आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि फ्यूज़ जल रहा है तो उसमें जो बड़ी 12 वोल्ट वाली सप्लाई होगी वही शॉर्ट सर्किट हो सकती है। जैसे हमारी नज़र ये डायोड पे जाती है, देखो आप, तो यहाँ पे ये जो शोल्डर है, यहाँ ये शोल्डर थोड़ा डैमेज हो चुका ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये शोल्डर थोड़ा डैमेज है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड पहले हीट हो चुका है, पहले गर्म हुआ होगा, इस वजह से ये डायरेक्ट हो सकता है। हम मल्टीमीटर से भी टेस्ट करेंगे इसको कि ये शॉर्ट है या नहीं है,
तो जैसे ये सॉर्टिंग की प्रॉब्लम्स होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कई सारे बोर्ड्स है जिसमें ये बड़ा वाला डायोड लगा हुआ होता है, तो सॉर्टिंग की प्रॉब्लम होती है तो ये डायोड पे ही हमारी नज़र जाती है पहले। और आपको भी ध्यान में रखना कि जब भी आपके पास बोर्ड सॉर्टिंग वाला बोर्ड आए और फ्यूज़ जल जाता हो, तो आप ये बड़ी जो फ्यूज़ वाली सप्लाई होती है, जैसे ये मेन रिले की सप्लाई एंटर होकर डायरेक्टली यहाँ ही आती है, ठीक है। जैसे हम कैन बॉक्स पे देखें तो ये 1755 वाला वायरिंग का डायग्राम है, इसी हिसाब से ये हमें कनेक्शन लगाने होते। आप यहाँ देख सकते हो ये महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक। अभी कैन बॉक्स पे ये वायरिंग डायग्राम जो दी गई है ये मैक्सी ट्रक लिखा हुआ है, ठीक है। पर दरअसल ये जो कैन बॉक्स है ये तो हमारा की प्रोग्राम के लिए ही बनाया हुआ है, तो जाहिर है कि वो जो गाड़ी पे कनेक्शन लगेंगे इमोबिलाइजर के उसके ही कनेक्शन डालेंगे, ठीक है। पर हमें क्या करना है, हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी बोर्ड हो हमारे पास, जो समझो महिंद्रा, यहाँ पे महिंद्रा बोलेरो लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दूसरी एक फोटो दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे महिंद्रा D2, D4, D6, D8, जीनियो ऐसे सारे ECM के कनेक्शन यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। तो ये भी कनेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं अल्ताफ भाई? सेम सेम है, ठीक है। अभी XUV का भी हम निकालेंगे, इसमें XUV का अगर है तो, नहीं है तो दूसरी PDF पे होगा, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं हमें है यहाँ पे XUV का। हाँ ओके, हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो महिंद्रा TUV KUV एमोक एस्टेन ऐसे ऐसे सारे गाड़ियों के नाम दिए गए हैं। अभी हमें फोकस रखना होगा ये जो हमारा 1755 वाला बोर्ड है उस पे, ठीक है। हम कनेक्शन कोई भी चूज करेंगे, मान लो कि ये जो 17 1 नंबर वाली पिन है वो है इग्निशन वाली, ठीक है, 60x66 कैन लाइन वाली हुई। ये 50 नंबर वाली पिन जो हुई वो हमारा मेन रिले हुआ, ठीक है। तो गाड़ी कोई भी हो, यहाँ पे दिया गया कुछ भी हो, पर हमें फोकस रखना होगा ये जो हमारा ADC 1755 है उस पे, ठीक है। तो ये बोर्ड तो हमारे पास शॉर्ट है ही, तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे। एजाज भाई इसको टेस्ट करो, पहले ये डायोड को टेस्ट करो ताकि पता चले कि ये शॉर्ट सर्किट हो कहाँ से रहा। जैसे हम सबसे पहले टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायोड पे चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायोड का ही साइन है। तो सबसे पहले हम डायोड को चेक करेंगे, अभी डायोड पे कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। अभी प्रोब उल्टा करके देखते हैं तो इस पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अभी हम लेंगे उसको कंटिन्यूटी पे, अभी चेक करते हैं, अभी बीप आ रही है, ठीक है, और ओम्स की वैल्यू भी 0.0 आ रही है, उसका मतलब ये कि ये लाइन डायरेक्ट हो चुकी है। अभी प्रोब उल्टा करके देखो, अभी यहाँ पे भी बीप आ रही है और लाइन जो हमारी है ओम्स पे आ रही है और डायरेक्टली दिखा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूज जल रहा है हमारा वो इस डायोड की वजह से जल रहा है कार में, ठीक है। अभी ये हुई है हमारी पहली टेस्टिंग, अभी हम और भी कंपोनेंट चेक करेंगे डिसीजन देने के लिए कि खाली ये डायोड ही खराब है या और भी कंपोनेंट खराब है। जैसे ये हमारी पावर आईसी है, ये 5 वोल्ट निकालती है, तो ये आईसी भी शॉर्ट सर्किट है या नहीं उस पे भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आएगा, तो यहाँ आप चेक करो कि ये 5 वोल्ट वाला MCU है वो भी शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, ठीक है।
नहीं है। जब भी बोर्ड हमारे पास रिपेयर में आए तो सबसे पहले ये जो पीले वाले पीएफ है उसको टेस्टिंग कर लेना चाहिए, प्रोबेबिलिटी करके भी देख लो। ये सारे एक्चुएटर के डायोड है, वैसे इसको चेकिंग करने का और एक भी तरीका होता है। जैसे ये बोर्ड हमारा लगा हुआ है, ठीक है, हमारे पास टाइम कम है और कार में फ्यूज जल रहा है, तो हम दो तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये बोर्ड हमारा पैक है, ठीक है, यहाँ पे इसकी सारी पिन दिख रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, शॉर्ट सर्किट जो है तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग डायग्राम देखेंगे। लाइट ब्राउन, ठीक है, लाइट ब्राउन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा मेन रिले ऑपरेट होता है, मेन रिले से जो बड़ी सप्लाई आती है वो इस सीएम में एंटर होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है डार्क ब्राउन, जो डार्क ब्राउन सप्लाई होती है वो हमारी सीएम को डायरेक्ट मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको पिंक दिख रहा है, तो पिंक कलर की जो वायर है कैन बॉक्स पे दी गई हुई है वो है मेन ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 71 नंबर वाली पिन है, वो पिन है हमारी इग्निशन की, ठीक है। तो जैसे फ्यूज जल रहा है, स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसी दिक्कत कोई इसका इस ये बोर्ड में नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि ग्राउंड और लाइट ब्राउन ईसीएम बोर्ड में शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। सबसे पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 6 नंबर वाली पिन और 2 नंबर वाली पिन बोर्ड खोले बिना टेस्ट करना है, तो आप प्रोब लगा के देख लो। 6 नंबर पे लगाओ और 2 नंबर पे, यहाँ पे बीप आ रही है, ठीक है। जैसे हमने प्रोब उल्टा कर लिया तो भी बीप आ रही है। अभी चैन करो, दोनों पे आ रही है, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हमारी मेन रिले की सप्लाई है वो इंटरनल शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। वैसे इग्निशन का भी फ्यूज जल जाता हो तो हम इग्निशन को भी ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे दिया गया है 71 नंबर वाली पिन, जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं वो ईसीएम का सॉकेट कार पे लगाते हैं और फ्यूज जल जाता, तो हम यहाँ भी प्रोब लगा के ईसीएम खोले बिना इसको चेक कर सकते हैं। आप 71 पे लगाओ और एक पिन ग्राउंड पे लगाओ तो पता चल जाएगा। बीप नहीं आ रही, ठीक है। अगर इग्निशन वाली लाइन हमारी शॉर्ट सर्किट होती तो बीप आता, ठीक है। अभी ये शॉर्ट कैसे हुआ, पहली दिक्कत तो ये आती है समझने में कि हम दूसरा डालेंगे तो भी शॉर्ट हो सकता है, या तो गाड़ी में जो कनेक्शन लगाए थे बैटरी के टर्मिनल वो उल्टे लगे हुए हैं, इस वजह से ये शॉर्ट हो चुका है। काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे समझ के बाहर होती है। जैसे ये 1755 वाले सारे बोर्ड होते हैं, जैसे वरना के भी ले लो, 1639 वाला बोर्ड भी ले लो, काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं, उसमें हमने देखा है कि जब भी बैटरी हमारे उल्टी लगाते हैं तो हमारी ये जो पावर आईसी होती है वही ज़्यादा ख़राब होती है, यहाँ से फट जाती है, तो हमें पता चल जाता कि भाई बैटरी की जो लाइन है वो उल्टी लगाई हुई थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। पर ये जो डायोड शॉर्ट हुआ है उसकी वजह और कोई नहीं होती, कंटिन्यूटी पावर सप्लाई ऑन रहने की वजह से ये डायोड जो कभी कभी हीट हो जाने की वजह से ये डायोड ख़राब हो जाते हैं।
बैटरी की उल्टी सप्लाई लगाने से ये डायोड खराब नहीं हुआ है। अगर उल्टी सप्लाई लगाने से ये डायोड खराब होता, शॉर्ट होता, तो समझ लो कि ये जो हमारी पावर आईसी है वो खराब हो चुकी होती। ठीक है, वो बात की बात है कि ये खराब है या चालू है। जैसे हम डायोड लगाएंगे बाद में ही पता चलेगा कि ये आईसी चालू है या खराब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये डायोड को चेंज करना होगा। काफ़ी सारे ECM बोर्ड जो होते हैं, जैसे पेट्रोल के भी बोर्ड आते हैं, उसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये बोर्ड है, इसमें भी यहाँ ये डायोड लगाया हुआ है। दूसरा बोर्ड आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये डायोड लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो उसकी सप्लाई जाती है वो डायरेक्टली, जैसे हमारा मेन रिले ऑन होता है, ग्राउंड निकलेगा ECM से, और मेन रिले से जो सप्लाई वापस आएगी हमारे बोर्ड में इंजेक्टर को या फिर सप्लाई चालू करने को, तभी ये हमारा जो पावर सप्लाई होता है वो ये डायोड में जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे बोर्ड में ये डायोड आएंगे। शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम जब भी आपके पास आए, तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेके ये डायोड ही चेक करना होगा, और कहीं आपको मत्थे मारने की ज़रूरत नहीं होती है। और समझो हमारा बोर्ड शॉर्ट सर्किट होता, तो जैसे ये नॉर्मल सप्लाई पे आप काम करोगे तो ये छोटी छोटी ट्रैक जो होती है वो तो वैसे ही जल जानी होती है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि बड़ी सप्लाई जब भी होती है तभी ECM बोर्ड का जो फ्यूज़ होता है वो जलता है। काफ़ी सारे ECM ऐसे होते हैं 1755 वाले, जो डायोड शॉर्ट होने की वजह से, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये नीचे की जो ग्राउंड की लाइनें होती है वो जल जाती है, और यहाँ से जो ट्रैक होती है वो कट जाती है। ठीक है, वो भी प्रॉब्लम इस डायोड की वजह से ही होती है, क्योंकि डायोड शॉर्ट हो जाता है और यहाँ से ट्रैक जल जाती है। और हम ट्रैक जब लगा देते हैं और कार वाले को दे देते हैं, तो एक दो दिन में फिर से ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई इसी हम रिपेयर किया था तो ये बंद हो गया, इसकी वजह ये भी डायोड भी हो सकता है। ठीक है, या तो ये हमारे कैपेसिटर जो होते हैं वो भी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारा जो फ्यूज होता है वो जल सकता है। तो अब हम इस पे, सबसे पहले हम करेंगे इसके डायोड पे काम। ठीक है, सबसे पहले इसका डायोड निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं अभी ये जो गन है हमारी चालू है भाई या बंद है। चालू है, ठीक है भाई, इसका डायोड निकाल दो। हाँ बस इतना ही चलेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो टेम्परेचर गन है वो आपकी जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है आपका, उस पर डिपेंड रहता है। कई बार वोल्टेज लो आने की वजह से भी हमें ये जो हीटर वाला सिग्नल जो होता है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। ये डायोड हमने निकाल लिया, वैसे ये मार्केट में नए भी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। पर एक मज़ा ये भी है हमारी ECM रिपेयरिंग लाइन में कि हमें इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मार्केट से लेने नहीं पड़ते। ठीक है, वरना दिक्कत क्या होती है, अभी ये डायोड है उसका नाम क्या बोले, ऐसी सारी परेशानियाँ रहती है हमें स्टार्टिंग में काम करते तब। पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आप काम करते जाओगे तो आपके सामने ऐसे कई पुराने वाटर डैमेज सारे बोर्ड निकलेंगे, तो उसमें से आपको डायोड, जैसे ये हमारे पास ये अल्टो का बोर्ड पड़ा है, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें डायोड लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। इसको चेक कर लो पहले मल्टीमीटर से, ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। हम डायोड पे रख देते हैं और वैल्यू चेक कर लेते हैं, 0.574 इसकी वैल्यू सही आ रही है। ठीक है, कम ज़्यादा होती तो भी चलता है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अप्रोब हम उल्टा कर देते हैं, एक साइड नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे
नहीं दिख रहा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड जो है हमारा, ये हम वैसे डायोड सेम ही है, हम ये डायोड निकाल के ये बोर्ड पे लगा देंगे, ठीक है। अभी मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसी हम रिपेयर करने वालों को ये परेशानी कभी नहीं सताती कि कंपोनेंट कहाँ से लेंगे, क्या करना पड़ेगा। हाँ, वैसे ये काफ़ी सारी आईसीया जो होती है लगी हुई, ये मार्केट में परचेस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लोड का माल आता है तो कभी ख़राब निकलता है तो प्रॉब्लम्स रहती है। पर पुराने बोर्ड जो हमारे पास निकलते जाते हैं, जैसे ये वाटर डैमेज बोर्ड हो चुका है, तो यहाँ इसके जो कंपोनेंट है आईसीया जो सारी है वो तो सारी ओके ही रहेगी, ठीक है। तो अभी आप लगा दो जो डायोड है इसमें से निकाल के, वैसे हम पहले बता चुके हैं कि अभी देखो यहाँ से हमें थोड़ा रेड दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड दिखाई पड़ रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि हमारा हीटर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वरना ये जो हमारी पीसीबी है वो ऊपर आ सकती है, हाँ, और जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, एक नज़र और भी डालनी ज़रूरी होती है हमारे लिए, कि हम जब यहाँ काम कर रहे थे तब हमारी जो हीटर गन थी वो ज़्यादा हीट हो चुकी थी। वैसे इसका यहाँ टेम्परेचर तो नॉर्मल पे ही रखा था 350 के आसपास, फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ ये जो गन है वो ज़्यादा हीट हो चुकी थी, ठीक है। तो ये भी काम करते टाइम हमें ध्यान में रखना है कि कंपोनेंट चेंज करते टाइम हमारी पीसीबी भी डैमेज नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी गन जो होती है उसका हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। हमारी इलेक्ट्रॉनिक लाइन पे हम ये जो ओरिजिनल सारे बोर्ड होते हैं, उसके अलावा हमारे जो कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो कैन बॉक्स है चाहे वो कोई भी टूल है, उस पर ज़्यादा हम भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि हर की सिस्टम अलग अलग बनी होती है, वोल्टेज सप्लाई के हिसाब से ये सारा चलता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अभी लगा दो डायोड को, थोड़ा फ्लक्स लगा दो, थोड़ा सा ही लगा दो, अभी हमें एक बात और ध्यान में रखनी होती है। जैसे इसको पकड़ के रखो, जैसे हम ये सारे डायोड लगाते हैं तो उसमें यहाँ डायोड और ये जो पीसीबी है, ठीक है, कर दो थोड़ा बड़ा, हाँ, डायोड और ये जो पीसीबी है उसके बीच में जगह नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। फिक्स टू फिक्स यहाँ थोड़ा हल्का सा वजन देके बिठा देना होता है, और यहाँ पे जो शोल्डर होती है वो पानी जैसी हो जानी चाहिए, जैसे कच्ची शोल्डर हम लगाते हैं, कच्ची शोल्डर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, जैसे आपको अंदाज़ा आ गया ही होगा, जैसे हम कंटिन्यूटी पे लगा दिया है वो मीटर, और यहाँ चेक करते हैं तो बीप
नहीं आ रही, ठीक है। अभी ये शॉर्ट टाइम के लिए जो बीप पाती है, ठीक है, वो बीप होती है ये जो कैपेसिटर में पावर सप्लाई भरती है, थोड़ी जमा होती है, इस वजह से शॉर्ट टाइम के लिए बीप आती है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो हम ये जो हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं वो सही या गलत है वो भी हमें पता चल जाता है। जैसे शॉर्ट टाइम के लिए बीप आई तो ये भी पता चल गया कि जो हमारा कैपेसिटर है वो भी सही तरीके से काम कर रहा है। जैसे हमने देखा कि ये हमारा शॉर्टिंग निकल गया, ठीक है। अभी हमें ये बोर्ड को ऑन टेबल चेक करना है, ठीक है, ताकि ये जो बोर्ड है वो दूर से आया हुआ है और हमें तो पता ही है कि ये बोर्ड सही हो गया, फिर भी हम इसको कनेक्शन लगा के चेक कर लेंगे ताकि वहाँ जाके उसको कोई दिक्कत ना आए और हम भी श्योरिटी से ये बोल सके कि भाई आपका काम हो गया, ठीक है। अभी ये जो कनेक्शन है, चाहे ये महिंद्रा की क्यों ना हो, पर यहाँ पे जो इग्निशन सप्लाई है और ये जो पावर सप्लाई है और ये जो ग्राउंड है और ये जो 50 नंबर वाली पिन है वो 1755 नंबर पे लागू पड़ती है, ठीक है। तो हम ये चाहे टाटा का बोर्ड ही ना हो तो हम यहाँ पे कनेक्शन देके इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन लगा देते हैं इसका कैन बॉक्स से, जस्ट भाई इसके कनेक्शन लगा दो। वैसे ये बोर्ड तो टाटा का है पर हम जो कनेक्शन दे रहे हैं वो महिंद्रा का है, पर जो महिंद्रा का TUE KUE MOK S10 का जो भी बोर्ड आता है या तो मैक्सीट्रक का 1755 वाला जो ECM आता है, ठीक है, तो हमें ध्यान इस बात पे रखना होगा कि बोर्ड सेम होना चाहिए और EDC 1755 ये हमें रीड कर लेना है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है वो हमारा ये बोर्ड पे चलने वाला है, ठीक है। अभी इसका कनेक्शन लगा देते हैं। ये हमने कनेक्शन लगा दिए है। अभी हम कैन बॉक्स को ऑन करके देख लेते हैं। अभी पावर सप्लाई इसमें बंद है भाई क्या? नहीं, पहले पावर सप्लाई चेक कर लो। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। जैसे ये मेन रिले की जो सप्लाई है वो अभी इग्निशन हमने ऑन नहीं किया तभी का मेन रिले स्टार्ट हो गया, उसका मतलब है कि या तो हमने जो पिन लगाई है इसमें कुछ गड़बड़ है या तो हमारी जो IC है उसमें गड़बड़ है या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो देखते हैं हम, क्योंकि मेन रिले डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं उसके बाद ही मेन रिले ऑन होना चाहिए। देखते हैं थोड़ी देर, हम इग्निशन ऑफ रखते हैं फिर चेक करते हैं क्योंकि कनेक्शन सही से लगाया। अभी इसमें एक इग्निशन का बाकी रह गया या तो निकल गया था। अभी यहाँ पे ही आप देख सकते हो ये ब्लू कलर की जो तार है वो बड़ी पिन के लिए है। अभी एक्स्ट्रा भी और भी होगी, अब देख लो ये वाली ब्लैक वाली है वो लगा दो इग्निशन पे। जैसे हम ये सारा टेस्टिंग चेकिंग का काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो लोहे वाली चीज़ें होती है उसको हमें दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हम ये काम करते थे तब हमने ऐसे 2-3 बोर्ड ऐसे ही बंद कर दिए थे, क्योंकि ये जो सारी पीने होती है वो यहाँ से कुछ टच हो गई तो भी हमारा बोर्ड जो होता है वो डैमेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हम ऑन करते हैं, अभी इग्निशन ऑन नहीं हुआ और हमारा मेन रिले ऑन हो चुका है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो दिक्कत कुछ नहीं आएगी। अभी हम इसको स्कैनर लगा के स्कैन करके चेक कर लेंगे तो ये काम हमारा हो गया है, पर प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो मेन रिले डायरेक्ट रहेगी तो समझो कि
हमारी जो बैटरी है कार पे लगी हुई वो डिस्चार्ज हो जाएगी, एक दो दिन कार खड़ी रहेगी तो बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होगी, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होती है। अभी जैसे हम इग्निशन ऑन करें तभी यहाँ पे ये जो हमारा मेन रिले होता है वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि इसकी जो ये पावर आईसी है ये खराब है या ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आईसी पे फोकस लाते हैं। इसके जो पार्ट नंबर हम देखें तो 4007 ये इसके पार्ट नंबर है। जैसे हम कई हमारे ग्रुप सारे होते हैं उसके पास से हमें ये आईसी मंगवानी होती तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई आपके पास 4007 वाली पावर आईसी है या नहीं है, ठीक है। या तो हम फोटो भेज के भी मंगवा सकते हैं, पर ये जो नंबर बोलने से कुछ अलग सा होता है और सामने वाले को भी समझ में आता है कि नहीं इसको आईसी हमें देनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में कि हमें पार्ट नंबर का या तो कंपोनेंट का पता नहीं होता तो सामने वाले जो लोग होते हैं वो देने में भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि आपको आईसी दे के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको क्लियरिटी से पता नहीं है कि आईसी ख़राब है और आपने दूसरी मंगवा ली और आप फिर से कंप्लेन कर सकते हो कि भाई आईसी चल नहीं रही है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती है इस लाइन में, तो आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मेन रिले हमारा ऑन हो रहा है, ठीक है। जैसे देखते हैं कि हमने यहाँ पे ये जो पिन लगाई हुई है, ठीक है, इसको पकड़ के रखो भाई, वो कहीं गलत तो नहीं लगी हुई है ना, ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 50 वाली नंबर वाली पिन है वो ऑलरेडी ओके ही है, हटा देते हैं हम, फिर चेक करते हैं। ये मेन रिले का जो आउटपुट है वो हमने हटा दिया, चेक करते हैं, अभी लाइट चली गई, ठीक है। अभी यहाँ हम फिर से पिन लगाते हैं 50 नंबर पे, मेन रिले ऑन हो गया। अभी प्रॉब्लम्स तो ये बोर्ड में है, क्योंकि मेन रिले डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, मेन रिले का आउटपुट है मेन रिले को ऑपरेट करने के लिए ये 50 नंबर वाली पिन, तो मेन रिले ऑन हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है, बैटरी डाउन होगी हमारी, ठीक है, बैटरी ड्रेन हो सकती है। तो अभी ये सारी पिन हम अभी फिलहाल निकाल लेते हैं, बोर्ड को फिर से टेस्ट करते हैं। अभी ये मेन रिले जो डायरेक्ट हो चुका है उसका हम टेस्टिंग कैसे करें, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, तो इसकी जो मेन रिले की सप्लाई होती है स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये आईसी कौन सी मेन रिले आईसी ऑपरेट करती है वो हमें पता नहीं होता है, यहाँ से ऑपरेट होगी मेन रिले हमारी या तो यहाँ से होगी या तो ये कोई ट्रांजिस्टर हमारी मेन रिले को ऑपरेट करता है वो हमें पता नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है, ट्रैकिंग से आगे बढ़ना होता है। जैसे ये मेन रिले की जो पिन थी वो 50 नंबर वाली पिन थी, ठीक है, तो हम यहाँ एक प्रोब लगाते हैं और यहाँ देखते हैं ये नंबर वाली पिन हुई, ठीक है, यहाँ बीप आया, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो पिन है ये हमारी मेन रिले की हुई, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करना होगा। जैसे कई सीएम के जो बोर्ड है इसमें यहाँ आप देख सकते हो यहाँ ग्राउंड आते हैं कई बोर्ड में, जैसे हम यहाँ प्रोब लगाते हैं और यहाँ चेक करते हैं तो बीप बज रही है, ठीक है। प्रोब हम उल्टा करके देखते हैं यहाँ पे भी ये बीप आ रही है,
यहाँ पे ये मेरे हाथ में नेगेटिव प्रोब है, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोब है, दोनों साइड बीप बज रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो पिन है वो ग्राउंड से शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, दोनों साइड बीप आ रही है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम्स हमें ये ढूंढनी होगी कि ये जो ट्रैक है वो जा कहाँ रही है, ठीक है। कई कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सब जगह पे बीप आ जानी चालू हो जाती है तो पता नहीं चलता, ढूंढने में थोड़ी मुश्किल ही होती है। तो अभी हम देखेंगे कि ये ट्रैक जा कहाँ रही। जैसे हम यहाँ बड़ा करके देखें, यहाँ जूम करके देखते हैं, पकड़ के रखो इसको, यहाँ आपने देखा कि यहाँ से कोई ट्रैक आगे नहीं बढ़ रही, ये जो ट्रैक जा रही है वो यहाँ पे आई, ये ऊपर वाली ये जो ट्रैक है वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ रही, ठीक है। अभी ये जो ट्रैक है वो यहाँ, इसका कोई कनेक्शन या तो आगे ट्रैकिंग नहीं जा रही, ठीक है। तो मैं ये समझना होगा कि ये जो पिन है वो आखिर कहाँ जा रही है, इसमें जा रही है ये आईसी, जो ड्राइवर आईसी ये ऑपरेट कर रही है, या तो ये पावर आईसी है ऑपरेट कर रही है, ठीक है। शॉर्टली बता दूँ तो ये सारे बोर्ड पे ये जो पावर आईसी होती है यही मेन रिले को ऑपरेट करती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से ट्रैकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं यहाँ से कहीं वो ट्रैकिंग आ रही या नहीं आ रही। जैसे ये ऊपर वाली पिन जो है नीचे वाली, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हम प्रोब एक लगा दें, यहाँ लगा के हम ये डायोड और वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हैं, पर बीप तो सभी जगह पे आने वाली है तो दिक्कत रहेगी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी बीप आई, सब जगह पे बीप आएगी तो प्रॉब्लम्स रहेगी चेक करने में। यहाँ कहीं पे, यहाँ पे भी बीप आई, तो हमें ये दिक्कत होगी क्योंकि ये ग्राउंड हो चुका है, डायरेक्टली हो चुका है। अभी जल्दी से ये काम निपटाना होता आपको तो आपके पास काफ़ी सारे बोर्ड्स पड़े होते हैं पुराने, उसमें से आप ट्रैकिंग देख लो तो भी आपके लिए आसान होता है, या तो आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसके पास से आप सजेशन ले सकते हो कि भाई मेरा मेन रिले की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट हो चुकी है तो वो कौन सी आईसी से आएगी, तो आपको वो भी सजेशन मिल जाता है कि ये नंबर वाली आईसी होती है, इस पर ही आपको चेक करना होता है। ये सारा ग्रुप का काम होता है, जितनी हम लोगों को हेल्प करते हैं उतनी हमें हेल्प मिल सकती है, ये हमारे पे डिपेंड होता है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम ये ट्रैक पे जाएंगे तो ये जो दूसरे नंबर वाली पिन होती है यहाँ पे आप देख सकते हो, बंद हो गया, हाँ ओके, कंटिन्यू टू पे लगा देते हैं। यहाँ से हम प्रोब लगाते हैं और यहाँ पे, ठीक है, ये जो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो दूसरे नंबर वाली लेग है ये वाली, ये जो दूसरे नंबर वाली है यहाँ से सप्लाई यहाँ आती है, ठीक है। अभी हमें करना ये होगा कि ये बीच में से ट्रैक शॉर्ट सर्किट तो नहीं है ना, या तो हमें ये जो आईसी है उसकी एक लेग ऊपर करके काम करना होगा चेक करने के लिए, तभी हमें पता चलेगा। देखते हैं हम, वैसे हम जो प्रोब से चेक कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे, दरअसल ऐसी हमारी प्रोब होनी चाहिए चेकिंग टेस्टिंग के लिए, यह बेटर रहती है। अभी हम जो प्रोब चला रहे थे वो थोड़ी बड़ी वाली प्रोब थी, यहाँ से थोड़ी बड़ी थी,
तो बेटर रहता कि हम ऐसी प्रोब का इस्तेमाल करें ताकि ये जो छोटे छोटे लेग जो होते हैं उसको हम आसानी से चेकिंग टेस्टिंग कर ले। अभी ऐसी बातचीत चल रही थी ये चेकिंग टेस्टिंग की, तब हमारे पास ये जो एजाज़ भाई है, एजाज़ भाई ने बोला कि सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, ये जो पीएफ लगा हुआ है इसको निकाल के चेक कर लेते हैं, ये भी शॉर्ट हो सकता है, तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, बाद में ये जो लेग्स है आउटपुट रिले का, ठीक है, उसको चेक करेंगे। निकाल लो इसको, अभी तो ये हमारा हीट हो चुका होगा। अभी ये निकल गया, चेक कर लेते हैं इसको, कंटिन्यूटी पे ही मीटर लगा हुआ है। अभी भी शॉर्ट दिख रहा है, ये पीएफ हमने निकाल लिया, यहाँ से जो आ रहा था आगे से सप्लाई, तो ये भी शॉर्ट नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो लेग्स है दो नंबर वाली उसको हम उठा लेते हैं और चेक करते हैं। ये लेग्स हम जैसे हम ऊपर कर लेंगे तो यहाँ से ये पिन तक की जो ट्रैकिंग होती है वो बीच में से शॉर्ट है या नहीं है वो पता चल जाएगा। अगर नहीं निकली समझो तो हमें ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी ये काम हमारा हो पाएगा। देखते हैं, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है चेकिंग टेस्टिंग के, और भी कई सारे आइडियाज़ होते हैं, वो काम करते जाते हैं और देखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो एरिया की जो सारी ट्यूब लगी हुई है उसको मटा लेते हैं। फ्लक्स ले लो थोड़ा, एक लेग ही आपको ऊपर करनी है। रुक जाओ मैं बताता हूँ, हमें ये ऊपर करनी होती, ये मीटर को हटा लो। जैसे हमें ये लेग को ऊपर करनी होती तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो शोल्डर आयरन है हमारी, हमें ऐसे रख देना होता है, ठीक है, फिर यहाँ से साइड में से लगा के ऐसे ऊपर कर लेना होता है। रख दो, ये हमारी लेग ऊपर हो गई। यहां भी हमें देख लेना है कि यहां से आसपास कुछ शॉर्टिंग तो नहीं हो चुका, ऐसे ब्लेड लगा के आपको शॉर्टिंग निकाल देनी है, ठीक है। यहां से लेग हमने ऊपर कर लिए, थोड़ी ऊपर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें चेक करना है
अभी हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट बीप टाई, ठीक है। यहाँ हमारी ग्राउंड ही होती है, वो सबको पता ही है, अगर नहीं है तो यहाँ हमारी ग्राउंड आएगी, ठीक है। हमने दूसरे नंबर पे लेग पे ये लगाई, ठीक है, तो बीप पाई। अभी हम प्रॉप चेंज कर लेते हैं और देखते हैं, अभी ये बीप आई, उसका मतलब हुआ कि ये आईसी में ही शॉर्टिंग आ चुका है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम से डायोड ही जला हुआ है, और हम कस्टमर को चार्ज बोल देते हैं कि भाई एक डायोड उड़ा है, 200 रुपये का खर्चा आएगा। वैसे भी स्टार्टिंग में सब लोग ऐसा ही करते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी काम जो होता है हमारी लाइन में छोटा नहीं होता। अभी हम ये 50 नंबर वाली पिन को भी चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग ये लाइन है या नहीं है, तो ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अभी हमें ये आईसी चेंज करनी होगी, और आईसी चेंज करके देखते हैं और आगे कोई कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है काम करने में, या तो ईसीएम बोर्ड हमारा ओके होता है या नहीं होता, हम आगे देखते हैं। वैसे फाइनली जो हमारी बात हो रही थी आईसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो हमने ये आईसी चेंज कर दी है, दूसरी लगा दी है, और देख सकते हो इसमें इसमें जो आईसी का पार्ट नंबर है जो हमारे पास थी वो 40076 नंबर वाली है, ठीक है। अभी जो इसमें लगी थी वो आप देख सकते हो, क्लियर नहीं दिख रहा अभी, रुको। फोर डबल ज़ीरो डबल सेवन, ठीक है, ये आईसी हमारी ये बोर्ड में लगी थी, हमने ये आईसी लगा दी, चलती है, प्रॉब्लम नहीं आती। और वैसे ये हमने 100 या 150 के आसपास का ये लॉट लिया था, तो एक आईसी डैमेज नहीं निकली, सब ओरिजिनल आईसी निकली, और हमें भरोसा है कि ये आईसी चलती है, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग करके लगा दी, अभी हम इस पर कनेक्शन भी लगा दिए। अभी जैसे हम इसका मेन स्विच ऑन करते हैं, ये हमारा मेन स्विच ऑन हुआ, और इग्निशन ऑन करते हैं तो ये हमारा मेन रिले ऑन हो गया, ठीक है। अभी ये ऑन तो हो गया, पर ये बोर्ड परफेक्टली वर्क करने लगा या नहीं लगा, इसका हम 20% अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। जैसे हम ये इग्निशन ऑफ करते हैं तो ये जो मेन रिले है वो 50 सेकंड के आसपास ही ये रिले ऑफ होता है, तब तक यहाँ से इसका जो आउटपुट रहता है मेन रिले का वो ऑन ही रहता है, ठीक है। जैसे अभी ये बंद हो गया, अभी फिर से एक बार देख लेते हैं, अभी ये मेन रिले ऑन हुआ, हमने इग्निशन ऑफ किया, तो 50 सेकंड के आसपास या 30 सेकंड के आसपास ये मेन रिले ऑफ हो जाएगा। तो उसका मतलब ये रहता है कि ये जो हमारा बोर्ड है वो सही तरीके से अभी बंद हो गया, देखो सही तरीके से वर्क कर रहा। अगर ये आईसी में या तो एमसीयू में या तो कुछ ड्राइवर आईसी में या तो और को काफ़ी सारे कंपोनेंट में कुछ गड़बड़ रहती, तो समझो जैसे हम ये इग्निशन ऑन करते और ऐसे इग्निशन ऑफ करते तो मेन रिले डायरेक्टली बंद हो जाता, ठीक है। काफ़ी गाड़ियों में बंद हो जाता है, तो हमारे जो बोर्ड होता है उसमें ये दिक्कत रहती है, वो हमें देखना पड़ता है कि किस वजह से ये मेन रिले काम नहीं करता, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे कनेक्शन लगा दिए है, ईसीएम बोर्ड भी हमारा चालू हो गया, और इग्निशन फिर से एक बार ऑन करते हैं और देखते हैं ये आईसी कितनी हीट हो रही है। नॉर्मल सी हीट तो होती ही है, जैसे इस पे टेम्परेचर सेंसर लगाया तो पता चल जाता कि कितनी हीट हो रही है, पर टेंशन लेने की बात नहीं होती। जैसे मेन रिले ऑन हो जाता हमारा और भी कंपोनेंट हम चेक कर ले कि एमसीयू भी हमारा हीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी हम इस पर स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर लगा दो भाई। अभी हमारे पास डीजेड ही चलाता है ज़्यादातर, हम तो डीजेड लगा देते हैं। यहाँ पे ही रख दो नीचे। जैसे ये हमारे पास बोर्ड है और हमें नॉर्मली क्या करना होता है, जैसे
कहाँ पे रखा है आपने? डिजेड है, ठीक है। तो नॉर्मली हम ये ऑन टेबल बोर्ड जो चेक करते हैं, केन लाइन हमारी सही काम करे तो ओबीडी से ही काम कर लेते हैं, पता चल जाता है। अगर कनेक्ट हो गया तो ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। वैसे इसका चेक लाइट का और काफ़ी सारा फंक्शन आता है, तो वो जो पिन आउट के हिसाब से हम पिन लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं कि चेक लाइट आ रही या नहीं आ रही। पर नॉर्मल सी जब भी हम इसको काम करके चेक करते हैं तो स्कैनर लगा देते हैं तो फाइनली पता चल जाता, क्योंकि इसमें हमें पिन आउट निकालने पड़ते हैं भाई, इग्निशन की कौन सी है, वो कौन सी है। तो ये सारे झमेले में से पढ़ने से पहले बेस्ट होता कि कैन बॉक्स की ये जो कैन लाइन हम लगा दे और यहाँ से चेक कर ले तो काम हमारा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा विन नंबर आ गया, सब ओके ही है। फोल्ड कोड देख लेते हैं, वो तो ऑनलाइन ऑन टेबल काम हो रहा है तो फोल्ड कोड तो आएंगे ही, ठीक है। अभी समझो ये काम हमारा हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि ट्रैकिंग कैसे करना है, कैसे ये बोर्ड को चेकिंग करना है। वैसे ये बोर्ड मुझे नहीं लग रहा था कि ये हो पाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस वजह से आया था कि इसमें जो गाड़ी थी वो वेल्डर के पास गई और बैटरी के तार भी नहीं निकाले हुए होंगे, तो वेल्डिंग लगाते टाइम ये सारी शॉर्ट सर्किट हो चुकी है, कुछ एंगल बेंगल टूट गया था गाड़ी में, तो वो लगाने गई थी वेल्डिंग के कराने, वेल्डिंग वाले के पास, इस वजह से ये शॉर्ट सर्किट हो चुकी है, ठीक है। अभी ये काम हमारा हो गया।